के बारे में आज देखेंगे हम। होरेला जो है ब्रायोफाइटा में आता है। ब्रायोफाइटा के मेंबर जो है हम लोग पहले पढ़े हैं कि वो एम्फीबियस नेचर के होते हैं। प्लांट्स जो है मॉइस्ट एंड सेडी प्लेस में ग्रो करता है और इसके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर जरूरी होता है, ठीक है। इसीलिए इसको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। तो होरेला जो है ब्रायोफाइटा में वो थोड़ा एडवांस फॉर्म में रहता है, क्योंकि देखने से पूरे छोटे प्लांट लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। ग्रीन लीफी फॉर्म में रहता है, ठीक है। छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है प्लांट्स में, और लीफ जो है अरेंज रहते हैं तीन रोज में, थ्री रोज में लीफ अरेंज रहता है। और इसमें जो ब्रायोफाइटा होरेला का स्पीसीज होता है, सबस्ट्रेटम के ऊपर मतलब मिट्टी के ऊपर छोटे छोटे लीफ प्लांट लाइक स्ट्रक्चर पूरा भरा हुआ रहता है। देखने से ऐसा लगता है कि मैट्स, डेंस लेयर ऑफ ग्रीन कलर का मैट्स से कवर हुआ है, कवर जैसा वो दिखता है, ठीक है। तो थैलस कैसा होता है? डॉर्सी वेंट्रल। डॉर्सी वेंट्रल मतलब ऊपर का लेयर अलग होता है, नीचे का लेयर अलग होता है, उसको हम बोलेंगे डॉर्सी वेंट्रल। तो सबसे पहले प्लांट्स को देखते हैं। प्लांट्स का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, छोटा सा प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये है डॉर्सल व्यू, ये है डॉर्सल साइड। डॉर्सल सर्फिस से इसको बोलते हैं बाईपिनेटली कॉम्पाउंड, जैसे एक सेंट्रल एक्सिस रहता है, मेन एक स्टेम जैसा एक्सिस रहता है, और उस एक्सिस के दोनों साइड्स में ऐसे लीप लाइक स्ट्रक्चर, और लीप का एपिक्स जो है राउंडेड, ऊपर का भाग जो है गोल होता है, राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे ब्रांचिंग पाया जाता है, ठीक है। और यह है डॉर्सल सर्फिस। डॉर्सल सर्फिस में जो बड़े बड़े लीप दिखता है इसको हम क्या बोलेंगे? डॉर्सल लिप्ड। डॉर्सल लिप्ड इसको हम बोलते हैं एंटिकल लोब। एंटिकल लोब भी डॉर्सल लिप को बोलते हैं, ठीक। इसके पीछे की ओर जो वेंट्रल पोर्शन रहता है, डॉर्सल सर्फिस के लिप ऐसा होता है, एक सेंट्रल एक्सिस दिखता है और दोनों साइड्स में ऐसे, इसको हम बोलेंगे बाईपिनेटली कॉम्पाउंड लिप, ठीक है। स्टेम एक्सिस के दोनों साइड में ऐसे गोल गोल लिप रहता है, लिप्स के ऊपर का भाग जो है राउंडेड होता है, ठीक है। अब ये सामने वाला भाग, पीछे वाला भाग है, वेंट्रल सर्फिस जब देखेंगे हम तो ऐसे दिखेगा। ये है डॉर्सल लीफ, बड़े बड़े जो डॉर्सल लीफ इसके पीछे का साइड, और ये है एक रो में पैरेलली अरेंजमेंट, एक रो में है वेंट्रल लीफ, ठीक है। डॉर्सल लीफ को हम बोलेंगे एंटिकल लोब, और इस वेंट्रल लीफ को क्या बोला जाता है? पोस्टिकल लोब, ठीक है। वो छोटा सा पतला स्टेम रहता है जो थीन और सिलेंड्रिकल होता है, थीन सिलेंड्रिकल स्टेम के ऊपर डॉर्सल लीफ और वेंट्रल लीफ जो कि पैरेलली ऑरेंज अरेंज रहते हैं, ठीक है। इसके आसपास छोटे छोटे और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको बोलते हैं लोब्यूल, और बहुत ज्यादा ब्रांचिंग पाया जाता है ऐसे, और इस ब्रांचिंग में मतलब एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम भी ऐसे ब्रांच में होता है, साइड के ब्रांच में। ये डायोसियस प्लांट्स होता है, ठीक है। डायोसियस मतलब मेल प्लांट्स अलग होता है, फीमेल प्लांट्स अलग होता है, और ऐसे मेल ब्रांच एंथ्रीडियल ब्रांच जैसे उगता है, और फीमेल ब्रांच जो है ऊपर टर्मिनल भाग में ग्रुप में पाया जाता है, जिसको बोलेंगे क्लस्टर्स, क्लस्टर्स में पाया जाता है। और वेंट्रल सर्फिस में ऐसे राइजोइड्स निकलता है, ठीक है। राइजोइड्स जो है बहुत गुच्छे, एक ही जगह गुच्छे में कम राइजोइड्स निकलते हैं लोअर साइड से, ठीक है। और इसके जो लीफ होता है एक दूसरे से ओवरलैप्ड रहते हैं, डॉर्सल भी बड़े बड़े होते हैं और ओवरलैप्ड रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, स्टेम के ऊपर पूरी तरह से, ठीक है। और इस लीफ में नोस्टॉक कॉलोनीज पाई जाती है, इस लीव्स में, कुछ स्पेसीज में, सब स्पेसीज में नहीं पाया जाता। जैसे होरेला नेबिकुलेरिस, इसके जो लीफ रहता है उसके वेंट्रल सर्फिस में नोस्टॉक कॉलोनी पाए जाते हैं, उसको हम बोलेंगे एक्टोट्रॉफिक नोस्टॉक कॉलोनी, ठीक है। उस नोस्टॉक कॉलोनी से क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, और वो ब्लू ग्रीन एल्गी है नोस्टॉक, तो ये क्या करता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से रहता है, मॉइस्चर भी इसको हेल्प करते हैं, और उसके बदले में वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब, फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब भी करता है, दोनों दोनों को हेल्प करता है। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन से रहता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है नोस्टॉक, ठीक है। और एक बार देख लेते हैं, होरेला जो है ब्रायोफाइटा में आता है, और ये थोड़ा सा एडवांस ग्रुप होता है जो कि ग्रीन लीफी फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। और लीव्स जो है अरेंज रहता है तीन रो में, तीनों रो में डॉर्सल लीव्स, उसके पीछे है वेंट्रल लीव्स,
और ये छोटे छोटे ऐसे रहते हैं, इसको बोलेंगे लोब्यूल। ठीक है, डोर्सल लीफ को बोलते हैं एंटिकल लोब, और ये पीछे की ओर, पीछे मतलब यह डोर्सल साइड, इसके पीछे की साइड में ऐसे वेंट्रल लीफ पाए जाते हैं, बड़े बड़े पैरेलल इयररिंग्स रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, और उसके ऊपर छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलेंगे लोब्यूल। इसको बोलते हैं एंटिकल लोब, वेंट्रल को बोलते हैं पोस्टिकल लोब, और इसको बोलेंगे लोब्यूल। और वेंट्रल साइड में नीचे की ओर राइजोर्स निकलता है, एक गुच्छे में राइजोर्स निकलता है। ठीक है, ये था इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। इस टाइप से मेन स्टेम है, ये एंटिकल लोब, ये पोस्टिकल लोब, और ये अंडर लीफ, और ये है स्टेम। ठीक है, अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को जब देखेंगे तो लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम देखेंगे तो एक ही लेयर पूरे लीफ में जो मोटाई होता है इसका, एक ही वन लेयर पेरेन्काइमाटस सेल्स का लेयर रहता है, वन सेल थिक पेरेन्काइमाटस सेल्स का पूरे लेयर रहता है, और पूरे में एक ही साइज के पेरेन्काइमाटस सेल्स रहता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, और मिडरिब नहीं पाया जाता इस लीफ में, कोई मिडरिब नहीं पाया जाता। मिडरिब मतलब जो लीफ है इसके बीच में जो एक सेंट्रल रिब पाया जाता है उसको मिडरिब बोलते हैं, इसमें नहीं पाया जाता। ये था इसका वर्टिकल सेक्शन। ठीक है, अब हम देखेंगे स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर। स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर जब यंग स्टेज में रहता है तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में जो पेरेन्काइमाटस सेल्स रहते हैं वो पूरे में समान तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे लीफ में हम लोग देखे थे, कोई डिफरेंसिएशन नहीं पाया जाता, अलग नहीं लगता। लेकिन जब मैच्योर बन जाता है प्लांट्स, मैच्योर स्टेम जो है उस स्टेम के अंदर बहुत सारा डिफरेंस दिखाई देता है। सबसे बाहर एक लेयर एपिडर्मिस दिखता है, उसके अंदर तीन चार लेयर थिक वॉल, छोटे छोटे सेल्स पाया जाता है, मोटे वॉल का छोटे छोटे सेल्स, जिसको हम बोलेंगे कॉर्टिकल रीजन। और सबसे अंदर की ओर पतले पतले बड़े बड़े सेल्स पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलेंगे मेडुलरी रीजन। ठीक है, स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर यंग स्टेज में पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पेरेन्काइमाटस सेल्स का बना होता है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं दिखता। लेकिन जब मैच्योर हो जाता है प्लांट्स, उस समय स्टेम को कट करेंगे तो सबसे बाहर एपिडर्मिस दिखता है, उसके नीचे छोटे छोटे मोटे मोटे सेल्स का कुछ लेयर दिखता है जिसको हम कॉर्टिकल रीजन बोलेंगे, उसके अंदर की ओर बड़े बड़े या थिन लेयर सेल्स दिखेगा जिसको हम क्या बोलेंगे मेडुलरी रीजन। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। और ये है वर्टिकल सेक्शन। वर्टिकल सेक्शन जब स्टेम को हम करते हैं, स्टेम के ऊपर साइड को जब वर्टिकल सेक्शन करेंगे तब ऐसा दिखता है, एक बड़ा एपिकल सेल रहता है और उसके चारों ओर ऐसे लीफ। इस एपिकल सेल के डिवीजन से ही पूरा प्लांट्स बढ़ता है। लोअर प्लांट्स रहते हैं ब्रायोफाइटा टेटोफाइटा, एक एपिकल सेल के डिवीजन से ही पूरा प्लांट्स बनता है। ठीक है, ये था इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है तीन टाइप का पाया जाता है बोल सकते हैं, क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसमें जो स्पोरोफाइट बनता है उसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोल सकते हैं, क्योंकि स्पोर बनता है। सबसे पहले हम देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दो मेथड से होता है। सबसे पहला है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है, थैलस का कोई भी पार्ट जब थैलस से अलग हो जाता है, एक्सीडेंटली भी हो सकता है या सड़ जाने से भी हो सकता है, कोई भी पार्ट जब थैलस से अलग हो जाता है तो उससे नया थैलस बन जाता है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे बाई फ्रेगमेंटेशन। दूसरा है बाई डिस्कॉइड गैमनी, बाई द फॉर्मेशन ऑफ डिस्कॉइड गैमनी। थैलस जो है उसके पीछे के साइड्स में पतले थिन वॉल राउंडेड स्ट्रक्चर बनता है, इस थैलस के पीछे के साइड्स में ऐसे थिन वॉल राउंडेड स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, पूरे पेरेन्काइमाटस सेल्स का ऐसे राउंडेड स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलेंगे डिस्कॉइड गैमनी। ठीक है, इस गैमनी लाइक स्ट्रक्चर जो है जब थैलस से अलग हो जाता है तो नया थैलस बन जाता है। ठीक है, इसमें कई बार देखा गया है कि इसमें नॉस्टोक कॉलोनीज पाए जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी इस गैमनी में पाया जाता है। यह है डोर्सल सरफेस और यह है इसका वेंट्रल सरफेस। तो जब ये था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन बाय डिस्कॉइड गैमनी। ठीक है, अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो थैलस होता है
उसी थैलास में छोटे छोटे ब्रांच बनता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एंथ्रीडियल ब्रांच। और डायोसियस प्लांट्स होता है, डायोसियस मतलब मेल थैलस अलग होता है, फीमेल थैलस अलग होता है, ठीक है। मेल थैलस में इस टाइप से बहुत सारे एंथ्रीडियल ब्रांच निकलता है जो कि लीफ के एक्सिस से निकलता है, ठीक है। इस एंथ्रीडियल ब्रांच को हम पीछे के साइड से देखेंगे तो इस टाइप को, उसमें भी बड़े बड़े डोर्सल लीफ पाए जाते हैं, वेंट्रल लीफ पाए जाते हैं और उसके बीच में एंथ्रीडिया बनता है, ठीक है। मेल प्लांट जो है छोटा होता है और फीमेल प्लांट जो है वो बड़ा होता है। एंथ्रीडियल ब्रांच में इस टाइप से एंथ्रीडिया पाए जाते हैं, चारों ओर लीफ से ढका हुआ और बीच में एंथ्रीडिया बनता है, ठीक है। बड़ा सा स्टॉक रहता है और ऐसे स्पेरिकल शेप एंथ्रीडियम रहता है, इसके अंदर एंडोगोनियल सेल और वन लेयर जैकेट, ठीक है। इसको जब अच्छे से देखेंगे तो बहुत बड़ा एक स्टॉक रहता है और ऊपर का लेयर जो है सिंगल लेयर रहेगा, ऊपर की ओर सिंगल लेयर सेल्स का बना जैकेट रहता है और नीचे की ओर दो तीन लेयर सेल्स का जैकेट रहता है और ये लीफ से ढका हुआ, ठीक है। अंदर की ओर क्या रहता है, एंड्रोगोनियल मदर सेल जो कि एंड्रोसाइट्स बन जाएगा, उससे एंथ्रीजोर्स बनेगा। तो इसके डेवलपमेंट को देखेंगे अभी, जब इसके डेवलपमेंट को देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया, सबसे पहले जो स्टेम है, स्टेम में बहुत छोटे छोटे ऐसे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि एंथ्रीडियल ब्रांच बोलेंगे। इस एंथ्रीडियल ब्रांच में कोई भी एक सेल एक्टिव होकर डिवीजन करने लगता है, ठीक है, उस सेल को हम बोलेंगे एंथ्रीडियल इनिशियल सेल, एंथ्रीडियल इनिशियल सेल। इस एंथ्रीडियल इनिशियल सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन से दो सेल बनता है, एक अपर सेल जिसको हम बोलेंगे एंथ्रीडियल सेल और दूसरा लोअर सेल जिसको बोलेंगे स्टॉक सेल, ठीक है। अब अपर सेल जो है उससे क्या बनता है, बाहर की लेयर जैकेट बनेगा, नहीं, स्टॉक सेल जो है उससे क्या बनता है, बेस। एंथ्रीडिया का जो एक लंबा स्टॉक पाया जाता है, स्टॉक बनता है स्टॉक सेल से, ठीक है। और ऊपर के जो अपर सेल एंथ्रीडियल सेल वो फिर दो भागों में बढ़ जाता है, ऊपर प्राइमरी एंड्रोगोनियल मदर सेल और जैकेट इनिशियल सेल दो भागों में बढ़ जाता है, एंड्रोगोनियल सेल और जैकेट इनिशियल। जैकेट इनिशियल से इसके चारों ओर का जैकेट बनेगा और एंड्रोगोनियल सेल से एंथ्रीडियम बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक सेल डिवीजन करना चालू करता है जिसको हम बोलेंगे एंथ्रीडियल इनिशियल सेल, उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, दो सेल बनता है, एक ऊपर अपर सेल एंथ्रीडियल सेल और नीचे स्टॉक सेल, ठीक है। स्टॉक सेल जो है उसको स्टॉक बनाएगा और एंथ्रीडियल सेल डिवीजन करके दो सेल बनाता है, एक जैकेट इनिशियल सेल चारों तरफ और बीच में प्राइमरी एंड्रोगोनियल मदर सेल, ठीक है। अब क्या होता है, जो स्टॉक बेसल सेल जो है उससे क्या बनता है, लंबा स्टॉक, और एंड्रोगोनियल सेल जो है प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल डिवीजन करेगा, इसके अंदर के सेल लगातार डिवीजन करता रहता है, डिवीजन करके क्या बनाएगा, एंड्रोसाइट मदर सेल, ग्रुप ऑफ एंड्रोसाइट मदर सेल। फिर एंड्रोसाइट मदर सेल फिर डिवीजन करेगा, एंड्रोसाइट्स बनेगा और एंड्रोसाइट्स जो है एंथ्रीजोइट्स में चेंज हो जाता है, ठीक है। एंड्रोगोनियल मदर सेल फिर एंड्रोसाइट्स, एंड्रोसाइट्स के बाद बन जाता है एंथ्रीजोइट्स। जो एंथ्रीजोइट्स होता है ऐसे होता है, ठीक है, बाइफ्लैजिलेट हैप्लॉइड, दो फ्लैजिला रहता है और हैप्लॉइड रहता है, ऐसे सिलेंडर शेप स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, वो ऐसे अलग हो जाता है, स्पाइरल कॉइल से दो फ्लैजिला ऐसे वो निकल जाता है, रप्चर हो जाता है और ये निकल जाता है। अब हम देखेंगे आर्किगोनिया, आर्किगोनिया का प्लांट जो है वो लंबा रहता है, जो फीमेल प्लांट है वो बड़ा रहता है, मेल प्लांट छोटा रहता है। आर्किगोनिया जो है, जो प्लांट्स रहता है उसके सबसे ऊपर के भागों में, मतलब टर्मिनल भागों में क्लस्टर के रूप में पाया जाता है, क्लस्टर मतलब ग्रुप में, ग्रुप ऑफ आर्किगोनिया बनता है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ आर्किगोनिया बनता है ऊपर के भागों में और उसके चारों ओर लीफ लाइक स्ट्रक्चर से प्रोटेक्ट रहता है, इसको हम क्या बोलेंगे, पेरिएंथ, पेरिएंथ। पूरे जितने भी आर्किगोनिया है एक साथ ग्रुप में रहते हैं, उस चारों ओर से ढका रहता है, किससे, पेरिएंथ से, ठीक है। पेरिएंथ के नीचे वाला भाग भी ब्रैक्ट से ढका रहता है जिसको हम बोलेंगे इन्वोल्यूकर, ठीक है।
आर्किगोनिया, आर्किगोनिया के चारों ओर पेरियन, पेरियन भी एक ट्रंकलाइन स्ट्रक्चर से ढका रहता है जिसको हम बोलेंगे इन्वोल्यूकर। और ये सभी चीजें कहाँ पाए जाते हैं, जो फीमेल प्लांट्स रहता है इसके सबसे ऊपर के भागों में ग्रुप के रूप में, क्लस्टर के रूप में पाया जाता है। ठीक है, इसमें ऐसे फूड सीटा कैप्सूल भी बनता है स्पोरोफाइट, इसका डेवलपमेंट देखेंगे हम। इस टाइप से बनता है, बहुत सारे आर्किगोनिया एक साथ ग्रुप में पाया जाता है जो कि चारों ओर से घिरा रहता है, किससे, पेरियंथ से। ठीक है, पेरियंथ भी घिरा रहता है और छोटे छोटे लीफलाइन स्ट्रक्चर से जिसको हम बोलेंगे इन्वोल्यूकर, इसका डेवलपमेंट देखेंगे। सबसे पहले जिस जगह में आर्किगोनिया बनेगा उस जगह के कोई भी एक सेल डिविजन करने लगता है एक्टिव होकर, जिसको हम बोलेंगे आर्किगोनियल इनिशियल सेल। ठीक है, अब उस आर्किगोनियल इनिशियल सेल जो है उसमें ट्रांसवर्स डिविजन होगा, डिविजन करके दो सेल बनेगा, एपिकल सेल और बेसल सेल। ठीक है, अब इसमें फिर डिविजन होता है, तीन वर्टिकल ऑब्लिक वॉल से डिविजन होता है, डिविजनों के बीच में बनता है एक एक्सियल सेल और इसके चारों तरफ बनता है पेरिफेरल सेल। एक्सियल सेल और पेरिफेरल सेल, पेरिफेरल सेल जो है उससे उसमें डिविजन होता है, डिविजन करके क्या बनाएगा, ये चारों ओर के पेरिफेरल रीजन, चारों ओर के जैकेट बनाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, नेक सेल, इसको नेक सेल बोला जाता है। ठीक है, 2 से 3 लेयर मोटा जैकेट लेयर बनाएगा। ठीक है, अब नीचे का सेल जो रहता है एक्सियल सेल, ठीक है, एक्सियल सेल जो है डिवीजन करके दो सेलों में बढ़ जाता है, एक को बोलेंगे अपर सेल, दूसरे को बोलेंगे सेंट्रल सेल। ठीक है, अपर सेल क्या बनाएगा, पेरिफेरल नेक सेल, अंदर के जो नेक कैनल सेल्स, नेक सेल्स होते हैं चारों ओर, वो बनाएगा अपर सेल। और सेंट्रल सेल क्या बनाएगा, 3 टाइप के सेल बनाते हैं डिवीजन करके, प्राइमरी नेक कैनल सेल जो इसके अंदर के भाग में है, वेंटर कैनल सेल जिसको वेंटर कैनल सेल बोलेंगे, और एक, ये तीनों चीज सेंट्रल सेल से बनता है। ठीक है, अब क्या होता है, वेंटर कैनल सेल और पूरे ऊपर के जितने भी नेक कैनल सेल है पूरा खराब हो जाता है और म्यूसिलेजिनस पदार्थ का सेक्रेट करता है। ठीक है, और ऊपर का ये सब जब म्यूसिलेजिनस हो जाता है तो वाटर एब्जॉर्ब करेगा, और ऊपर का ये जो कवर सेल, इसको हम बोलेंगे कवर सेल और लीड सेल, ये लीड सेल जो है फट जाता है। ठीक है, फटने के बाद जो एंथ्रीजॉइड्स बनना हम लोग देखे हैं, वो एंथ्रीजॉइड्स इस जगह से आपके एक के साथ फ्यूज करके वो बनाता है जाइगोट। ठीक है, सबसे पहले आर्किगोनिया इनिशियल सेल जिस जगह में आर्किगोनिया बनेगा, आर्किगोनिया ग्रुप में बनता है, बहुत सारे आर्किगोनिया एक साथ पेरियन से ढका हुआ रहता है, पेरियन ब्रेक लाइक स्ट्रक्चर से ढका रहता है जिसको हम बोलेंगे इन्वोल्यूकर। एक सेल डिवीजन करना चालू करता है जिसको हम बोलेंगे आर्किगोनिया इनिशियल सेल, उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, एपिकल सेल, बेसल सेल, फिर बेसल सेल जो है वो स्टॉक बनाएगा, और एपिकल सेल डिवीजन करके क्या बनाता है, एक्सियल सेल और चारों ओर पेरिफेरल सेल, पेरिफेरल सेल से चारों ओर के नेक सेल बनता है, पेरिफेरल सेल से क्या बनता है, इसके चारों ओर के नेक सेल, और एक्सियल सेल जो है डिवीजन करके दो भागों में बढ़ जाता है, अपर सेल एंड सेंट्रल सेल, अपर सेल भी इसके चारों ओर के नेक सेल बनाएगा, और सेंट्रल सेल जो है 3 टाइप के सेल बनाएगा, प्राइमरी नेक कैनल सेल, वेंटर कैनल सेल और एक। ठीक है, नेक कैनल सेल होता है, वेंटर कैनल सेल और एक, 3 टाइप के सेल बनाएगा। अब क्या होता है, इसमें अंदर के जो जितने भी सेल है वो पूरे खराब हो जाता है, बस एक रहता है, और ऊपर का जो ढक्कन है वो भी फट जाता है, खुल जाता है, तो स्पर्म एंथ्रीजॉइड जो है इसके अंदर आके एक के साथ फ्यूजन करके डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है। इसके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर बहुत ही एसेंशियल होता है, वाटर बहुत जरूरी होता है, सॉइल में रहता है और फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर जरूरी है, इसीलिए इसको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। ठीक है, अब जाइगोट का, जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन से बनता है जाइगोट। ठीक है, जाइगोट्स बनने के बाद उस जाइगोट्स के डिवीजन से क्या बनता है, स्पोरोफाइट। अब तक जितना भी देखे हैं हम लोग जाइगोट के बनने तक क्या बोलते हैं उसको, गैमेटोफाइट, पोरेला के गैमेटोफाइट। अब जाइगोट के डिवीजन से जो बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट में रहता है फूड सीटा कैप्सूल, स्पोरोफाइट है
फोरोफाइट तीन भागों में बटा होता है। नीचे के भाग में फुट रहता है, ये बीच के लंबे जो भाग होते हैं उसको सीटा बोलते हैं, और ऊपर का भाग जो है वो कैप्सूल। ठीक है, फुट का काम क्या होता है, वाटर एंड फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करना। ठीक है, वाटर एंड फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करना। सीटा क्या करता है, जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है ये कैप्सूल, उस समय सीटा अचानक लंबाई में बढ़ना चालू कर देता है। सीटा जब लंबाई में बढ़ना चालू कर देगा तो इसका पूरा बिगड़ जाता है स्ट्रक्चर, और यहाँ यहाँ इस जगह में प्रेशर पड़ता है और तीन चार स्लिट्स बन जाता है। स्लिट्स जैसे बनता है इसके अंदर के स्पोर्स जो है बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये कैप्सूल है, ये सीटा है, और ये है फूट। तो फूट वाटर एंड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करके इसको देता है सीटा को, और सीटा भी नीचे से वाटर एंड मिनरल्स को यहाँ पहुँचाता है, कैप्सूल तक पहुँचाता है। ठीक है, ये तीन चार वॉल से घिरा हुआ रहता है। कैप्सूल का वॉल जो है तीन चार वॉल मोटा होता है, और इसके बाहर रहता है कैलिप्ट्रा, और इसके बाहर रहता है इन्वोल्यूकर और पेरियंथ। ठीक है, सबसे बाहर इन्वोल्यूकर का एक लेयर रहता है, उसके अंदर पेरियंथ का लेयर रहता है, उसके अंदर रहता है तीन चार लेयर मोटे कैलिप्ट्रा, और उसके अंदर रहता है फूड सीटा एंड कैप्सूल। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर, स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। इसके अंदर स्पोर्स एंड इलेटर्स रहते हैं। ठीक है, लंबे लंबे स्पाइरली कॉइल्ड इलेटर्स पाए जाते हैं, जिसमें डबल स्पाइरल भी रहता है। ठीक है, और एक हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब वाटर को एब्जॉर्ब करके स्पोर को पहुंचाता है। ठीक है, और ये है स्पोर। स्पोर दो लेयर का बना होता है, एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर। छोटा स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है, और ये जो स्पोर बनता है टेट्राहेड्रली अरेंज रहता है। ठीक है, मियोसिस डिवीजन से, स्पोर मियोसिस डिवीजन से चार भागों में बढ़ जाता है। वो तो चारों भाग पहले ऐसे अरेंज रहता है टेट्राहेड्रली, फिर बाद में इसके चारों ओर वॉल का फॉर्मेशन होता है और चार भागों में बढ़ जाता है स्पोर। ठीक है, अब इसका डेवलपमेंट देखेंगे। सबसे पहले हम देखे हैं कि एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया, दोनों में एंथ्रीजोइट्स और एक के साथ फ्यूजन करके जाइगोट बना। जाइगोट का जो न्यूक्लियस है वो फिर दो भागों में बढ़ जाता है, डिवीजन करके दो भागों में बढ़ जाता है। ऊपर के सेल को हम बोलेंगे एपिबेसल सेल, और नीचे को सेल को बोलेंगे हाइपोबेसल सेल। हाइपोबेसल सेल, एपिबेसल सेल में लगातार डिवीजन होता है, हाइपोबेसल सेल जो है आगे डिवीजन नहीं होता। इससे बनता है होस्टेरिया, इससे बनता है होस्टेरिया और सस्पेंसर। ठीक है, ये है होस्टेरिया और सस्पेंसर। इसका काम होता है फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करना दूसरी जगह से। ठीक है, और ऊपर का भाग जो है सेल जो है वो लगातार डिवीजन करके एक पैरेन्काइमाटस मास बनाता है। ठीक है, पैरेन्काइमाटस मास बनाएगा। पैरेन्काइमाटस मास में सबसे ऊपर के और जो लेयर सिंगल लेयर रहता है उसको हम बोलेंगे एम्फीथीसियम, सिंगल लेयर एम्फीथीसियम बनता है। ठीक है, और अंदर की ओर बनता है जो ग्रुप ऑफ सेल्स उसको हम बोलेंगे एंडोथीसियम, एम्फीथीसियम एंडोथीसियम। एंडो एम्फीथीसियम जो है बाहर का लेयर बनाता है, एंडोथीसियम जो है वो लगातार डिवीजन करता है, डिवीजन करके वो बनाता है स्पोरोजिनस टिश्यू। फिर डिवीजन होता है, डिवीजन करके बनाता है स्पोर मदर सेल। लगातार डिवीजन होता है, फिर बनता है स्पोर्स और इलेटर्स। ठीक है, स्पोर्स गोल गोल और इलेटर्स स्पाइरली कॉइल हम पहले देखे हैं। ठीक है, अब स्पोर्स में मियोसिस डिवीजन होता है और फोर लोब स्ट्रक्चर बनता है, वो भी हम लोग देखे हैं। फोर लोब स्ट्रक्चर बनता है, बाद में इसके चारों ओर वॉल का फॉर्मेशन होता है और ये अलग हो जाता है। ठीक है, इसके डिवीजन के बाद इसमें इसके बाद इस टाइप का डिवीजन होता है। नीचे से राइजोइड्स निकल जाता है। प्रोटोनिमा का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पैरेन्काइमाटस सेल्स। ठीक है, ऊपर की ओर लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनना चालू हो जाता है और नीचे राइजोइड्स बनता है। इस टाइप से प्लांट्स बन जाता है। ठीक है, सबसे पहले जो जाइगोट बनता है उस जाइगोट के न्यूक्लियस दो भागों में बढ़ जाते हैं, एपिबेसल और हाइपोबेसल। हाइपोबेसल में कोई डिवीजन नहीं होता है, सस्पेंसर बनाता है, होस्टेरिया और सस्पेंसर बोलेंगे इसको। ऊपर के सेल लगातार डिवीजन करते रहते हैं और ऐसे पैरेन्काइमाटस मास ऑफ सेल बनाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसके ऊपर में वन लेयर एम्फीथीसियम बनता है इसी डिवीजन से, और अंदर की ओर एंडोथीसियम। एम्फीथीसियम जो है चारों ओर के लेयर बनाएगा और एंडोथीसियम जो है लगातार डिवीजन करता रहता है।
एंडोथीसियम डिवीजन करके स्पोरोजिनस टिश्यू बनाएगा, फिर स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल में से दो भागों में बढ़ जाता है, स्पोर्स और इलेटर्स, फिर इसमें मियोसिस डिवीजन होता है, चार लोब स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्स और चार भागों में स्पोर्स बढ़ जाता है। उसके बाद क्या होता है, एक ऐसे पेरेन्काइमेटस टिश्यू बनता है, पेरेन्काइमेटस टिश्यू, ठीक है। उस पेरेन्काइमेटस टिश्यू को हम क्या बोलेंगे, प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा में भी लगातार डिवीजन होता है, नीचे की ओर राइजॉइड्स बन जाएगा जिससे राइजॉइड्स बनेगा, और ऊपर की ओर ऐसे छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन के प्लांट्स बन जाएगा, ठीक है। जैसे स्पोर्स जो है वो एक दो भागों में बटा रहता है, बाहर को बोलेंगे एक्सोस्पोर, अंदर को बोलेंगे एंडोस्पोर, ठीक है। एक्सोस्पोर फट जाता है वाटर एब्जॉर्ब करके, एंडोस्पोर से जार्म ट्यूब निकलता है, ठीक है। जार्म ट्यूब के निकलने के बाद उसके जितने भी प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस रहता है, डिवीजन करते करते एक मास ऑफ सेल बनाएगा जिसको हम बोलेंगे प्रोटोनिमा। और प्रोटोनिमा से ऊपर की ओर एपिकल सेल, प्रोटोनिमा में एक एपिकल सेल रहता है, एपिकल सेल बड़ा सा, बाकी पूरे पैरेन्काइमेटस सेल्स उस एक सिंगल एपिकल सेल के डिवीजन से ही पूरे प्लांट बॉडी बनता है। नीचे राइजॉइड्स बनेगा और ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इस टाइप से कोरिला का पूरा प्लांट्स जो है उसका लाइफ साइकिल जो है कम्प्लीट हो जाता है।